नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडवर्टाइज नेटवर्क में। दोस्तों, आज का भारत डिजिटल भारत है और सारे काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए जा रहे हैं। ऐसे कोई बंदे होंगे, ऐसे कम ही बंदे होंगे जिनके पास एंड्रॉइड सेल फोन नहीं होंगे, है ना। तब ऐसे में जाहिर सी बात है कि आप कई तरह के एप्स का यूज कर रहे होंगे और डेफिनेटली ये तो श्योर है कि आपके पास आईडी और पासवर्ड तो होगा ही, यानी कि आपके पास जीमेल का आईडी और पासवर्ड आपने बना रखा होगा, ये तो श्योर है। साथ ही आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। तब दोस्तों, एक प्रश्न उठता है कि क्या आपके ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी आईडी है, इनका जो पासवर्ड है, क्या ये सिक्योर है? क्या आपने इनका पासवर्ड सही बना रखा है? क्या ऐसा है? क्या आपने चेक किया है या केवल बना के आप केवल यूज ही कर रहे हैं? अगर आपने अपने आईडी के पासवर्ड सही नहीं बना रखे तो एक बार जरूर चेक करें, क्योंकि जिस तरह से ऑनलाइन वर्क, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं, आप भी ऑनलाइन हैं, तो ऐसे में आपको ये भी पता होगा कि हैकर्स आपकी कमी को ढूंढते हुए बैठे रहते हैं, कि जैसे ही आप कोई कमी करेंगे वैसे ही वो आप पर वार कर देंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपने जो पासवर्ड बना रखा है क्या वो पूरी तरह से सही है। अगर नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आज हम यही टॉपिक लेके आए हैं कि पासवर्ड जो आपने बना रखा है वो सेफ है कि नहीं। अगर आपने सेफ पासवर्ड बना रखा है तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने सेफ पासवर्ड नहीं बना रखा है तो भैया आगे चल के आपका आईडी हैक हो सकता है, और आप समझ सकते हैं कि यदि आईडी हैक होगी तो क्या हो सकता है। पासवर्ड सेफ्टी की जहां बात आती है तो आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि हैकर्स आपके पासवर्ड को किस तरह से चुरा सकते हैं, यानी कि कौन सी वो कमियां हैं जो आप अपने पासवर्ड में कर बैठते हैं और हैकर्स आपकी आईडी को चुरा लेते हैं, यानी आपके पासवर्ड को चुरा लेते हैं और पूरा कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। तो आइए इसी को हम आगे बताते हैं। लोग कहते हैं कि लंबा पासवर्ड बनाइए, मुश्किल पासवर्ड बनाइए, तो क्या ये पॉसिबल है? आप कितना भी लंबा और मुश्किल पासवर्ड बना लें, उसके बाद भी हैकर्स के पास ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि वो आपके पासवर्ड को बड़ी आसानी से हैक कर लेते हैं। दरअसल पासवर्ड का लंबा होना या फिर डिफिकल्ट होना ये मायने नहीं करता, बल्कि पासवर्ड में क्या क्या चीजें आपको रखनी चाहिए ये मायने करता है, फिर चाहे छोटा ही पासवर्ड क्यों ना हो। आइए आपको बताते हैं कि एक सिक्योर और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी को फॉलो करना चाहिए। बातें ध्यान देने योग्य है कि जब भी आप पासवर्ड बनाएं तो पर्सनल जानकारी का उपयोग तो कतई ना करें, क्योंकि पर्सनल जानकारी तो सबसे पहले निशाना बनाया जाता है। तो पासवर्ड में ऐसा आप सेट करें जिसका कोई भी अनुमान ना लगा सके कि उसमें आखिर आप क्या लगाकर रख रहे हैं। तो कुछ बातें हैं जैसे कि कीबोर्ड के क्रम में कोई भी लेटर अथवा नंबर ना हो, समझ रहे हैं बात, जैसे कि आप ASDFG यानी कि कंटिन्यू नंबर्स का या कंटिन्यू अल्फाबेट्स का यानी ABCDEFG ऐसा पासवर्ड कभी ना दें, क्योंकि ये तो बहुत ही इजी पासवर्ड है। दूसरी बात, आपका पासवर्ड सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट के अपर केस और लोअर केस यानी कि कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ना हो, बल्कि उनमें नंबर्स का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरी बात, मोबाइल नंबर और जन्म तिथि आपकी, साथ ही आपके किसी भी रिलेटिव्स के नंबर, नाम इसमें ना हो, ये ध्यान देने योग्य बात है। पर्सनल और फेवरेट जो भी आपकी चीजें हैं मनपसंद, उनका भी उसमें प्रयोग ना किया जाए, यानी पासवर्ड में ऐसी किन्हीं बातों का जिक्र नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि पासवर्ड बनाते समय आपको अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, अल्फाबेट आप यूज कर सकते हैं, साथ ही इसके साथ संख्याएं यूज कर सकते हैं आप, यानी 0 to 9 जो भी संख्याएं वो यूज कर लें। स्पेशल कैरेक्टर्स जो होते हैं कंप्यूटर टर्म्स के, जैसे कि @ हैश साइन, परसेंटेज साइन, ये सब जो साइंस होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, प्लस माइनस, इन सब का भी आप उपयोग जरूर करें। साथ ही आप इंग्लिश के अल्फाबेट्स के अलावा किसी और भाषा के लेटर्स का भी अपने पासवर्ड में यदि इस्तेमाल कर लेंगे तो इसकी प्राइवेसी और बढ़ जाएगी। कोशिश करें कि आपके जो पासवर्ड है वो 10 डिजिट के से बिल्कुल ऊपर हो, यानी कि आप 12 या 13 या 15 डिजिट तक के पासवर्ड जरूर बनाएं। आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो ऐसे में आप पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी चेकर की हेल्प भी ले सकते हैं। तो ये थी वो बातें जिनको जब भी आप पासवर्ड क्रिएट करें अपनी आईडी का, तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही पासवर्ड को बनाएं। इससे कुछ हद तक तो आपका पासवर्ड क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और आसानी से हैक नहीं होगा।
इसके अलावा भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिन्हें हम यहाँ बता रहे हैं। फिशिंग से बचें। जी हाँ, अवॉइड करें फिशिंग को। फिशिंग का मतलब होता है कि ये आपको अच्छे अच्छे लालच देंगे जिससे आप इनके लालच में फंस बैठेंगे और अपना आईडी और पासवर्ड डाल बैठेंगे, जिसके बाद ये आपको आसानी से अपना शिकार बना लेंगे। बहुत सी ऐसी फेक वेबसाइट्स होंगी जो आपको आए दिन इनाम जीतने के नाम पर या फिर आपको अच्छे अच्छे ऑफर देकर आपको लालच दे रही होंगी कि आप इन आईडी में जाइए और वहाँ आईडी और पासवर्ड अपना एंटर कीजिए। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो जब भी आप अपना आईडी पासवर्ड यहाँ पर डाल रहे होते हैं तो ऐसे में ये आपका जो पासवर्ड है ये हैकर्स के पास पहुँच जाता है और हैकर्स आपके पासवर्ड को चेंज कर देते हैं। इसके बाद आप कभी भी अपने आईडी को रिकवर नहीं कर पाते, उसका पासवर्ड हैकर्स ने चेंज कर दिया है और ऐसे में आपके उस आईडी का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं हैकर्स। इसलिए दोस्तों, ऐसे लिंक्स पर, ऐसे लालच भरी वेबसाइट्स पर कतई ना जाएं जहां पे आपको कंपनी के नाम पर, हमेशा चेक करें कि सच में क्या वो रियल है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे लिंक्स पर जाकर आप अपना ईमेल आईडी पासवर्ड रजिस्टर बिल्कुल भी ना करें, इनसे बचें। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि अपनी आईडी को मैलवेयर से बचाएं। जी हाँ दोस्तों, मैलवेयर डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होता, ये आपकी गलती से डाउनलोड हो सकते हैं। जी हाँ, जब भी आप ईमेल में आए अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं या फिर ब्राउजिंग के दौरान आप पॉपअप को अलाउ कर देते हैं आप बिना समझे, तो ऐसे में जाने अनजाने मैलवेयर आसानी से डाउनलोड हो जाता है और इस बात की आपको जानकारी नहीं होती। लेकिन ऐसे में जो आपका ब्राउजर है वो आपको एक सिक्योरिटी मैसेज जरूर दिखाता है। अगर आप इस सिक्योरिटी मैसेज पर ध्यान नहीं देते हैं तो आसानी से आप हैकर्स का शिकार बन जाते हैं। ये आपकी गलती से ही डाउनलोड होता है, इसलिए जब भी आपको ब्राउजर्स सुरक्षा संबंधी वार्निंग देता है तो इसे ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो जब भी आप किसी भी लिंक पर या वेबसाइट पर विजिट करने जाएं तो आप ये जरूर चेक कर लें कि जो उसका एड्रेस बार है जहाँ पे टाइप होता है किसी वेबसाइट का नेम, वहाँ पे लॉक साइन जरूर हो। यदि लॉक साइन हो और साथ ही स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो अगर ऐसा है तो वेबसाइट आपकी सिक्योर होगी, तब तो आप इसका शिकार नहीं बन पाएंगे। ब्राउजिंग के दौरान अननोन फाइल्स को कभी भी डाउनलोड ना करें, के साथ ही अनजान लोगों से प्राप्त जो मेल्स है उनमें मौजूद जो अटैचमेंट है उनको भी डाउनलोड ना करें। आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है और ऐसे में सारे काम आपके डिजिटल अकाउंट के माध्यम से हो रहे हैं। डिजिटल अकाउंट यानी पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित है। अब ऐसे में या तो आपका जीमेल अकाउंट हो या फिर फेसबुक अकाउंट हो, कोई भी अकाउंट हो, इनमें पासवर्ड जरूर होगा। और ऐसे में आपका, जब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आप इंटरनेट में हो, तो आपका पासवर्ड को सेव करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारे काम इनके माध्यम से ही हो रहे होते हैं। इसलिए समझदारी से चलने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक कि पासवर्ड की सेफ्टी हम कैसे कर सकते हैं और पासवर्ड को अब हैक होने से कैसे बचा सकते हैं, उसके लिए कुछ बातों को हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही, और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एनवर्ल्ड से। और हाँ, हमारी वेबसाइट www.nworld.com पर विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इजाजत दें, नमस्कार।